आज 28 जनवरी है, जनवरी के महीना भी समाप्त हो ही गया। कल 27 जनवरी था, उम्मीद था कि एसटीईटी का नियमावली आएगा, शिक्षक भर्ती का नियमावली आएगा, चाहे एसटीईटी का हो मामला या सीटेट बीटेट का हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये पता था हमें, ये पता था कि सरकार इतना आसानी से नहीं मानने वाली है। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हम नहीं हासिल करेंगे कुछ। मेरे साथियों, हम लोगों ने 22 जनवरी को सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर किसी भी रूप में एसटीईटी 19 के साथ नाइंसाफी हुई और जल्द से जल्द फरवरी के महीने में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तो सरकार ये समझ ले कि आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। अभी कुछ देर पहले, लगभग 3 घंटा पहले, मैंने YouTube पर एक वोटिंग कराया। मैं लोकतंत्र का मानने वाला हूं, मैं लोकतंत्र में मुझे भरोसा है और मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र के आधार पर कोई निर्णय हो। पदयात्रा कहां से हो? कुछ मेरे साथियों ने कहा नालंदा से होना चाहिए, कुछ साथियों ने कहा गया से होना चाहिए, कुछ साथियों ने कहा चंपारण से होना चाहिए। तो अभी मैं 2 एस्पेक्ट्स पे वोटिंग कराया हूं, 1 नालंदा और 1 चंपारण। और वोटिंग में स्पष्ट रूप से चंपारण की ओर समर्थन है, सबने देखा। कुछ लोग नालंदा का भी समर्थन कर रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल से समर्थन करते हैं मेरे साथियों, कि अपना आपने अपना विचार रखा नालंदा की ओर। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिधर जनमत हो उसका सम्मान होना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। एक्चुअली है क्या इसमें, हकीकत यह है कि चंपारण से जो यात्रा चलेगी और पटना आएगी तो रास्ते में चंपारण के दोनों जिला, चाहे मोतिहारी या बेतिया, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली, हाजीपुर, छपरा, इन सबों में अपना संगठन बड़ा मजबूत है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने कई साथियों से बातचीत करता हूं तो इन जिलों में एसटीईटी के साथियों की संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत एक्टिव हैं। और जब हम इन जिला से यात्रा करेंगे तो सरकार विरोधी जो लोग होंगे उनकी भी संख्या बहुत है और उनका भी हमें समर्थन मिलेगा। तो 2 चीजें हैं, एक तो कि चंपारण के रास्ते में अपना एसटीईटी के साथियों की संख्या बहुत है, और जब एसटीईटी के साथियों की संख्या बहुत है तो अपना आंदोलन सफल होने का ज्यादा चांसेस है। और दूसरा, सरकार विरोधी लोग भी बहुत मिलेंगे हमें इस रूट में, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजद और जदयू का संख्या बहुत कम है इन पथ पर। और इसलिए मेरे साथियों, मैं खुद चंपारण से चाहता हूं यात्रा। चंपारण से मैं यात्रा इसलिए चाहता हूं कि यात्रा शुरू करके सफल भी बनाना है तो पत्रकारों का भी समर्थन मिल जाएगा, अपने साथियों का भी समर्थन मिल जाएगा और जितने भी विपक्ष के आम आवाम हैं उनका भी समर्थन मिल जाएगा। अब बात करते हैं नालंदा। नालंदा में नीतीश कुमार का बहुत ही मजबूत जगह है, लोगों का समर्थन बहुत कम मिलेगा नालंदा में आपको, ये बात आप याद कर लीजिएगा। और नालंदा में एसटीईटी का संगठन बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो नालंदा से, जो मुझसे लगातार संपर्क में रहते हैं, और इन जिलों से लगभग 200 से ज्यादा लोग हैं जो मेरे लगातार संपर्क में रहते हैं। और इसीलिए नालंदा में जन समर्थन कम मिलेगा, आपकी संख्या कम है, पत्रकारों का समर्थन कम रहेगा और सीधे सीधे नीतीश कुमार से कन्फ्रंटेशन होगा।
हम नहीं चाहते कि नीतीश कुमार से कन्फ्रंटेशन हो, हम अपना काम के लिए लड़ रहे हैं, हम नीतीश कुमार को पराजित करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो हम नीतीश कुमार से सीधे सीधे उलझना नहीं चाहते हैं। चंपारण से होगा तो चंपारण में नीतीश कुमार भी जाते हैं, हम भी जा रहे हैं, सभी नेता लोग जाते हैं, हम आम आवाम भी जा रहे हैं। तो इसलिए चंपारण के पक्ष में मैं हूँ, वोटिंग में भी चंपारण के लिए समर्थन मिला है और आज से मैं लिस्ट भी बना रहा हूं। दूसरी बात एक और है, चंपारण में बापू की कर्म भूमि है। बापू एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के इंसान है। हम चाहते हैं कि एक बड़ा व्यक्तित्व के नाम पर किसी आंदोलन का प्रारंभ किया जाए और नालंदा में वैसा कोई व्यक्तित्व हमें अभी दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार के नाम पर आप कर नहीं सकते, नीतीश कुमार के माता जी के नाम पर है तो नीतीश कुमार के माता जी का कोई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं है, वो एक आम गृहिणी रही हैं, तो हम उनके नाम पर कैसे कर सकते हैं, ये सोचने की बात है। जो राजनैतिक रूप से परिपक्व लोग हैं, जो राजनैतिक रूप से समृद्ध लोग हैं, जो पॉपुलर हैं, लोकप्रिय चेहरा हैं, आप उन्हीं के नाम से करेंगे ना। तो इसीलिए मेरे साथियों, मेरा मानना है कि हम लोग चंपारण से ही यात्रा का प्रारंभ करें और इसी पर मन बनाएं और मैं आज से लिस्ट बनाना शुरू कर रहा हूं। बहुत संख्या नहीं चाहिए, हम मैक्सिमम 500 यात्रियों की हमें जरूरत है और 500 यात्रियों का मैं लिस्ट बना रहा हूं और उसके बाद हम काम शुरू कर देंगे। और अभी तब तक सभी मेरे साथी लोग सीटेट के एग्जाम में भी बिजी हैं, कुछ केवीएस के एग्जाम में बिजी हैं, कुछ तैयारी भी कर लीजिए और 7 दिन के लिए साथ चलने के लिए तैयार है, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए। और विधानसभा का जो सत्र चलेगा, बजट सत्र, उसमें हम सरकार को अफरा तफरी मचा देंगे। अनिल फिर उसी लुक में रहेगा, 10 फरवरी के बाद पटना में एकदम 100% डेरा जमा करके, और अपने जीवन को हमने समर्पित कर दिया एसटीटी के लिए तो कर दिया, और कोई कंप्रोमाइज अब हम नहीं करने वाले हैं। आर पार की लड़ाई होगी, पद यात्रा होगा और भूख हड़ताल भी होगा, और कहीं भी हम लोग गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गाड़ी का केवल इस्तेमाल भोजन प्रबंधन में होगा, लॉजिस्टिक में होगा, सामान में होगा, क्योंकि वो 7 दिनों का यात्रा होगा तो यात्रा में रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए सब सामान तो हमें गाड़ी के माध्यम से ही लाना होगा, और कई व्यवस्था और बंदोबस्त करना होगा यदि यात्रा को सफल बनाना है तो, और हम सफल बना लेंगे बिल्कुल। तो मेरे साथियों, मेरा विचार है कि हम चंपारण से करें, मेरा व्यक्तिगत रूप से इच्छा है चंपारण से। और नालंदा के लिए मैं इसीलिए नहीं हूँ कि नालंदा से हम सीधे नीतीश कुमार से बैर नहीं लेना चाहते हैं, और नीतीश कुमार के जैसे माँ हैं तो उनकी माँ कोई राजनेता नहीं है कि आप उनके नाम पर प्रारंभ कर सकते हैं। नालंदा में संगठन कमजोर है और नालंदा में नीतीश कुमार का संगठन मजबूत है, तो नीतीश कुमार के लोगों से आपको उम्मीद नहीं कर सकते। और प्लस पुलिस प्रशासन से भी आपको परमिशन लेना होगा, पुलिस प्रशासन से आपको नालंदा में कभी परमिशन नहीं मिलेगा, आप रोक लिए जाएंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चंपारण से मिल जाएगा, हमने बातचीत किया है पुलिस प्रशासन के लोगों से। और सीधे चंपारण से हम लोग शुरू करके सीधे राजभवन के लिए हम प्लान बना रहे हैं, इसके लिए हम फिजिकल मीटिंग रखेंगे पटना के गांधी मैदान में, और वहीं तय करेंगे कि हम लोगों को आंदोलन कैसे करना है, क्या करना है और कैसे हम लोगों को सब प्रबंधन करना है। सभी साथी लोग मिल करके हम लोग प्रबंधन करेंगे, मैं अकेले इसमें कुछ नहीं हूँ, मेरे साथ हूँ, हम बस एक आम साथी की तरह रहेंगे और सभी मिलजुल करके हम लोग लड़ेंगे और बढ़ेंगे और अपने अधिकार के लिए, और अधिकार को छीन करके सरकार से लेंगे। तो यही मेरा विवाद था, यही मेरा विचार था, और यही मैंने सोचा कि मैं एक बार सभी साथियों से पूछ लेता हूँ। जो लोग बच रहे हैं वो वोटिंग करिएगा, अपना विचार बताइएगा, और आपका विचार मेरे सर आंखों पर होगा, ये बात आप याद कर लीजिएगा। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि किसी की हार और किसी की जीत होती है, लोकतंत्र में बस ये होता है कि कौन सा क्या चाहता है। हाँ, जनता जिधर हो उधर लोगों को होना चाहिए। मेरा भी विचार था कि कहाँ से हो, मेरा विचार पहले गया कर रहा था, लेकिन देखे कि जब सभी लोग चंपारण की ओर हैं तो चलो चंपारण से ही प्रारंभ कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।